हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका देखा कि ट्रायल बैलेंस में गिवन क्या क्या होता है और कैसे फाइनल अकाउंट कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म क्यों ना हो, चाहे वो कंपनी क्यों ना हो, यानी दुकान चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। आपने देखा कि ये जो आपका बेसिक प्रोफाइल मैंने बना के दिया आपको, ये इसी पैटर्न में मिलना है, यानी आपको इतने आइटम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में हमेशा मिलेंगे और जो आपको क्रेडिट साइड में आइटम लिख के दिए वो हमेशा वहीं मिलेंगे आपको। और फिर जितने आइटम मैंने कहा जाएंगे फाइनल अकाउंट के अंदर, वो भी जो लिख के दिया मैंने आपको, याद है, वो भी हमेशा वहीं जाएंगे। जैसे एग्जांपल अभी ट्रायल बैलेंस से डायरेक्ट एक्सपेंस उठाओगे और ट्रेडिंग के डेबिट डाल देना, अब आज से परचेस को मैं अलग से मेंशन नहीं करूंगा, इट्स आइटम ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस ओनली, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस की परिभाषा मैंने कल आपको बता दिया कि जब भी कोई बिजनेसमैन गुड्स को परचेस करेगा, वो परचेस करने का खर्चा प्लस सप्लायर से माल निकला और अपने दुकान तक आने तक के जितना भी खर्चा है वो सब मुझे भरना है अगर मैं दुकानदार हूँ तो, क्योंकि मार्केट का रूल है जो परचेस करेगा वही उसके पीछे खर्चा भी करेगा, क्योंकि ओनरशिप उसी वक्त ट्रांसफर हो जाती है। मैंने आपको ना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग होता है वो, तो इसलिए उसके पीछे लगने वाले खर्चे मैं ही करूँगा, वो सब की भी गिनती डायरेक्ट एक्सपेंस में मानी जाती है। तो मैं आपको ये चीज़ रटाऊंगा नहीं कि ये ट्रेडिंग में जाएगा, ये पीएन में जाएगा, ये आप डिसाइड करोगे कहाँ जाएगा, एक बार आपको मीनिंग समझ में आ गया तो। क्लियर? अब सबके आइटम का मतलब भी मुझे बताऊंगा आपको, फिर आप खुद ही जस्टिफाई कर देना व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कौन सा आइटम डायरेक्ट एक्सपेंस का है कौन सा आइटम इनडायरेक्ट का है, दूर से ही फोकस कर लेता है मेरा स्टूडेंट। क्लियर पिक्चर? हाँ। अब हमने देखा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लोगे ट्रायल के डेबिट से और डालोगे पीएनएल के डेबिट में, फिर ऑल टाइप ऑफ पर्सनल एक्सपेंस आप लोगे ट्रायल के डेबिट से और डालोगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में, राइट। फिर आप ऑल टाइप ऑफ लॉसेस उठाओगे ट्रायल के डेबिट में और डालोगे पीएनएल के डेबिट में, पीएनएल बोलते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। फिर ऑल टाइप ऑफ एसेट्स उठाओगे बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस के डेबिट से और डालोगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में, एसेट साइड कहाँ मिलेगी आपको, राइट साइड में। क्लियर आपको? फिर ऑल टाइप ऑफ ड्रॉइंग है ना, नहीं सेल्स रिटर्न, परचेस अब कैंसल क्योंकि परचेस आज से मालूम पड़ गया अभी क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ सेल्स रिटर्न उठाओगे और सेल्स में से माइनस करोगे और सेल्स आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट में डालना है, क्यों डालना है मैं आपको बताऊंगा रीजन। क्लियर? और लास्ट इज ड्रॉइंग, मेरा ओनर का इन्वेस्टमेंट कम करता है तो वो ओनर का इन्वेस्टमेंट इज अ फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी, सो ये कैपिटल में से माइनस करोगे, यानी कैपिटल लायबिलिटी में जाता है तो लायबिलिटी में इसका मेंशन होगा। क्लियर पिक्चर? तो ये 8 कैटेगरी के 7 कैटेगरी आइटम जो मैंने आपको बना के दिए, वो कौन सा आइटम कहाँ पड़ा था कहाँ जाएगा मैंने एक शॉर्टली आपको रिमाइंडर दे दिया। फिर हम जाएंगे ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड में, ऑल डायरेक्ट इनकम उठाओगे कहाँ से, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड से और डालोगे ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ऑल इनडायरेक्ट इनकम उठाओगे ट्रायल के क्रेडिट साइड से और जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, ऑल पर्सनल इनकम उठाओगे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट से और जाएगा अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, ऑल टाइप ऑफ प्रॉफिट उठाओगे ट्रायल के क्रेडिट से और जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, ऑल टाइप्स ऑफ लायबिलिटी उठाओगे ट्रायल के क्रेडिट से और डालोगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। अब लायबिलिटी साइड कौन से साइड अपीयर होती है, लेफ्ट साइड, नो डेबिट नो क्रेडिट, बिकॉज इट्स नॉट अ लेजर अकाउंट इट्स अ स्टेटमेंट, क्या ये डेबिट और क्रेडिट कहाँ होता है, ओनली लेजर अकाउंट में। क्लियर? हिसाब किताब करने में यहाँ पे बैलेंसेस मिलते, क्या मिलते, ओनली, और बैलेंसेस और ट्रांजेक्शन में क्या अंतर है मैंने आपको प्रीवियस सेशन में पढ़ाया हुआ है, गॉट इट। एसेट लायबिलिटीज किसको, इसको बैलेंसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि इनसे मुलाकात अगले साल भी होने वाली है और जो हम ट्रेडिंग पीएनएल और अप्रोप्रिएशन में लेके जा रहे हैं ना आइटम, उनको वहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, टाटा बाय बाय, अगले साल नहीं मिलना उन्हें अगले साल, लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन जो उसमें से मिलता है तो वो हम यहाँ पे भी लेके आते हैं। क्लियर पिक्चर? यही अंतर है लेजर अकाउंट के अंदर पोस्टिंग में और बैलेंसेस बैलेंस शीट में डालने की। क्लियर पिक्चर? फिर ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल उठाओगे कहाँ से, ट्रायल क्रेडिट से, लायबिलिटी डालोगे कि कैपिटल इज द फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी। फिर ऑल टाइप्स ऑफ परचेस रिटर्न उठाओगे और परचेस इज माय डायरेक्ट एक्सपेंस, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस मेरा कम करता है तो इसको परचेस में से माइनस करोगे, गॉट इट। क्लियर? ओके। अब
ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई, कौन सा आइटम कहाँ पड़ा होता है और कहाँ जाएगा फाइनल अकाउंट में, कौन कौन से कैटेगरी के आइटम कहाँ जाएंगे। क्लियर पिक्चर? अब हमने कल शुरू किया था मीनिंग जानना, ठीक है। तो हमने देखा था एक्सपेंस दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस को बोलते हैं जो एक्सपेंस हम वन टाइम करते हैं बिजनेस के अंदर, बार बार नहीं, नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? नॉन रिकरिंग नेचर के, तो उसको अपन बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंस। जैसे एग्जांपल, आप कोई भी एसेट परचेस करोगे तो वो आप बार बार नहीं करोगे, क्योंकि एसेट की डेफिनेशन यही है कि हर वो चीज जिसकी लाइफ मेरे पास एक साल से ज्यादा चलती है उसी को अपन बोलते हैं एसेट। राइट, गॉट इट? मैंने आपको कोई एसेट हटाया क्या? मैंने कोई लिस्ट लिख के दिया? नहीं। आप खुद जस्टिफाई कर सकते हो एसेट कौन सी है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा, एसेट पे ही कैपिटल एक्सपेंस? नो, हर वो एक्सपेंस जो एसेट के ऊपर लगता है इवन इट इज ऑल्सो माई डायरेक्ट, सॉरी कैपिटल एक्सपेंस। एग्जाम्पल दू, इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह वगैरह। जैसे कोई एसेट ऐसी होती है जो बिना इंस्टॉल किए, फिटिंग किए चला सकते नहीं हम लोग, तो उसको फिटिंग करना ही पड़ता है। लेकिन वो फिटिंग वाला क्या हर महीने आएगा कि भाऊ मैं तुम्हारे पास फिटिंग करके गया हूँ तो हर महीने मेरे को देना पैसे? वो एक बार लेगा, अपना विषय खत्म करेगा वहीं पे। तो बेटा उस फिटिंग के चार्जेस जो एसी में मैंने लगाए उसके लिए वन टाइम एक्सपेंस है वो मेरा, तो वो भी मेरा कैपिटल एक्सपेंस होता है। क्लियर पिक्चर? और सही मायने में कैपिटल एक्सपेंस एक्सपेंस होता ही नहीं है, वो एसेट होती है, एसेट में ऐड होता है। हमारा जो एक्सपेंस की बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू होता है। अब बिजनेस के अंदर रेवेन्यू तीन टाइप के एक्सपेंस होते हैं। हाँ, अब सुन लो मेरी बात, ध्यान दो। 12th में आपको दो टाइप के फाइनल अकाउंट है। मैं फिर रिपीट करूं एक बार, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 12th में आपको दो टाइप के फाइनल अकाउंट है। पहला, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दिस इज माय फर्स्ट टॉपिक आफ्टर सोल ट्रेडिंग कंसर्न। एंड द सेकेंड वन इज फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओ। पढ़ाया हुआ है? हमारे वाला समझा, हमारे वाले ने क्यों बोल रहा मैं? क्योंकि हम लोग एनपीओ वाला अकाउंटिंग करते हैं ना, तो उसका अकाउंटिंग थोड़ा अलग है, क्योंकि हम गुड्स से डील नहीं करते, सर्विस से करते हैं, तो इसलिए। लेकिन बेस तो वही है जो आपको सिखा रहा हूँ अभी मैं, तो इसलिए यहाँ पे बेसिक लेवल पे फोकस करोगे तो आपके 24 मार्क, 12 12 मार्क के दो फाइनल अकाउंट कंपलसरी आते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, तो वो आपको आ जाएगा। क्लियर पिक्चर? अच्छा, मजे की बात है, पिछली बार मैंने एन मोमेंट पे क्वेश्चन दिया था बच्चों को सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्ड करके, पूरा पेपर में वही आया 12 मार्क का, 12 मार्क का। आप लगे तो पूछ सकते हो अपने सीनियर से। क्लियर? तो ऐसे हम लोग आपको भी गैसिंग देंगे कुछ, लेकिन मैं आपको कहूँगा ईमानदारी से पढ़ाई करो। क्या करो? क्योंकि मैं जब ईमानदारी से पढ़ाता हूँ तो ये आईएमपी के भरोसे रोई मत। पूछो क्यों? आईएमपी वाले कौन रहते हैं भरोसे वाले में? जैसे पास की सोचते हैं, हमको पास होना है क्या? हमको टॉप करना है भाई, तो टॉप के लिए फ्रॉम ए टू जेड हमें सब पढ़ना है। क्लियर पिक्चर? और पढ़ना रटना नहीं है, समझना है। क्या करना है? और समझने के बाद वो इतना बड़ा कंसेप्ट इतू सा हो जाता है एक्चुअली। आपको समझा क्या? अब जैसे मैं एग्जांपल अभी तुमको 12th पढ़ाऊंगा, तो 12th पढ़ा अगर मैं वो समझा हुआ नहीं होऊंगा तो मैं बुक्स लूंगा, बड़े बड़े नोट्स निकालूंगा, यहाँ पे तीन चार बुक्स रखूंगा, फिर पढ़ाऊंगा। बराबर की नहीं? कंसेप्ट समझा हुआ है तो आन दो कोई भी टॉपिक, अपन ऐसे पढ़ाते बिना बुक के, सही कि नहीं? अब तुमको मैंने आज तक के जितने भी टॉपिक पढ़ाए, मैंने एक भी बुक खुलवाया क्या तुमको? नहीं पढ़ाया। लेकिन इतना बोल सकता कि कोई माइकल आल तुमको रॉन्ग नहीं बोलेगा, और कोई भी आन दो चेस तुम आराम से कर लेते, क्योंकि तुमने उससे ऊपर का पढ़ा, तुमने सिर्फ 11 नहीं पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा? उससे ऊपर का पढ़ा। समझा आपको? क्लियर? चलिए शुरू करें। गॉट इट? हाँ, अब हमने डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब जान लिया। बताओ क्या होता? जो खर्चा हम गुड्स को परचेस के दौरान, परचेस और परचेस करने के दौरान लगाते हैं, और या तो अगर मैं परचेस नहीं करूंगा तो बनाऊंगा। बिजनेस इज टू एक्टिविटी, अरे बिजनेस इंक्लूड टू एक्टिविटी, इंडस्ट्री या कॉमर्स में मैं परचेस करूंगा, ट्रेडिंग करूंगा तो, और अगर कॉमर्स नहीं कर रहा हूं तो इंडस्ट्री करूंगा, तो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हुआ। तो गुड्स को अवेलेबल करने तक जो खर्चा आता है, गुड्स को अवेलेबल तक, वो सब खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि वो नेसेसिटी में आता है। और जब तक माल दुकान में रहेगा नहीं तब तक मैं व्यापार क्या करूं, सही है कि नहीं? तो इसलिए वो नेसेसरी नेचर में आता है, इसलिए उसको अपन डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। तो सिंपल है, डायरेक्ट एक्सपेंस दो ही है, या तो परचेस करोगे और परचेस करने के दौरान जो खर्चा आया वो, और या तो गुड्स को बनाओगे बनाने के दौरान जो खर्चा आया वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस, बाकी सब इनडायरेक्ट, बाकी सब। इवन आप जो बेचोगे गुड्स को उसके ऊपर भी आपने एफर्ट्स फुली को खर्चा लगाया, इनडायरेक्ट क्या है वो तुम्हारा। तो इसलिए हर गुड्स को लगने वाला खर्चा डायरेक्ट नहीं होता है,
ओनली परचेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस. क्लियर पिक्चर? गॉट इट? अब बताओ सैलरी दोगे वर्कर को, कौन सा खर्चा होगा फिर? क्यों 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 क्यों? क्योंकि वो ना तो गुड्स को परचेस के दौरान लगा और ना ही मैन्युफैक्चरिंग के दौरान. बराबर है कि नहीं? लेकिन अगर मैं बोलता हूँ सेल्समैन को मैंने कमीशन दिया तो डायरेक्ट है. हाँ क्यों इनडायरेक्ट है? हाँ वेरी गुड, मैं तुमको घुमा दिया, तुम तो घूम गए. लेकिन कुछ लोग सर्टन थे इनडायरेक्ट है. अब सिंपल बात है भाई, सेल्समैन का काम क्या है? माल बिकवा के देना. बराबर कि नहीं? मैं मानता हूँ वो गुड्स के ऊपर जरा मैं खर्चा लगा रहा, बराबर है. लेकिन कौन सा खर्चा लग रहा है? बेचने में लग रहा है. क्या लग रहा है वो? परचेज करने में लगा क्या? नहीं. तो इसलिए सेल्समैन कमीशन कहाँ गई? इनडायरेक्ट. क्या है वो मेरा? अब दूसरा साइड, अब सपोज गुड्स की शॉर्टेज चल रही. क्या चल रही? हाँ, अब मैंने एजेंट को मैंने बोला, एजेंट को मैंने कमीशन बोला कि मेरे को परचेस करके दे माल, माल अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में. तो अब वो परचेस पे मैं कमीशन दे रहा हूँ. तो देखो अब तुमको रट्टा मारना है क्या इसमें? अब बताओ कमीशन ऑन सेल्स कहाँ आएगा? इनडायरेक्ट. कमीशन ऑन परचेस? अब बताओ है तो कमीशन ही, लेकिन एक कमीशन गुड्स को परचेस करने के दौरान लगी. जनरली हम परचेस पे कमीशन देते नहीं, हम कमीशन देते हैं सेल पे. लेकिन कोई गुड्स शॉर्टेज चलता है, क्या चलता है मार्केट में, तो कर सकते हैं. तो इसलिए बिजनेस में कुछ भी हो सकता है. और जब कुछ भी हुआ तो कितने आइटम रटोगे आप बताओ? अरे मैं अगर तुमको लिस्ट दे दूँ कि ये ट्रेडिंग में डालना, ये पीएन में डालना, कितना रटोगे? एक आधा ट्विस्ट घुमा के आ गया, गया पिक्चर ही खत्म वहीं पे. सही कि नहीं? तो इसलिए रट्टा मत मारो, समझो मीनिंग. क्लियर? मेरे बच्चों से आधे रात को भी उठ के अगर तुम सीनियर से पूछोगे ना फाइनल अकाउंट, वो तुमको नींद में भी बताएंगे डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है. लिटरली बोल रहा हूँ. नहीं तो आपके भाई बहन मेरे पास अगर पढ़े होंगे, बड़े लोग, उनको पता होगा. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. नहीं प्रियांश इज एक्सेप्शनल केस. वो आया इच नहीं, क्या करूँगा मैं, जादू पिछड़ थोड़ी ना मेरे पास है. चलो ठीक है, ओके गॉट इट. यहाँ पे आते हैं मुद्दे पे आते हैं. हाँ तो अब बताओ डायरेक्ट एक्सपेंस हमने आ गया, उसको छोड़ के बाकी सब तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को बताने कुछ है ही नहीं. यानी क्या करोगे? डायरेक्ट फोकस रखो, इनडायरेक्ट अपने आप आ जाएगी. सर ठीक है इनडायरेक्ट समझ आएगा, लेकिन पर्सनल बीच में टांग अड़ाएंगे ना सर? सही है कि नहीं बताओ? अरे सर आपने मेरे को अगर डायरेक्ट एक्सपेंस से बता दिए होते थे भाई, चलो सर गुड्स को परचेस करने के दौरान जो खर्चा आता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस. सर ठीक है मान गए सर हम लोग. लेकिन सर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा एक आपने और तीसरा भी ला लिया ना, पर्सनल एक्सपेंस. बराबर कि नहीं? और सर ये तो कोई सिखाता भी नहीं पर्सनल एक्सपेंस क्या होता है, हमको सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताए. पता है देखो, चल बता दे. हाँ घर का खर्चा. हाँ 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 ठीक है ठीक है. मोबाइल एक्सपेंस वो क्या होगा तुम्हारा? नो इट्स अ ड्राइंग, इट्स अ ड्राइंग. और ड्राइंग बिजनेस में ओनर के अफेयर्स रिकॉर्ड होते क्या? इंटरनी कंसेप्ट क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग करते समय माल अलग और दुकान अलग. बराबर कि नहीं? तो अगर तुम घर दुकान से मोबाइल अपने रिचार्ज के लिए खर्चा ले रहे हो तो अकाउंटिंग उसको एक ही वर्ड देता है ड्राइंग. और ड्राइंग इज नॉट अ पर्सनल एक्सपेंस. अगर पर्सनल एक्सपेंस होता था तो मैं ड्राइंग को कहाँ लिखाता था अप्रोप्रिएशन में? मैंने कहाँ लिखाया उसको? कहाँ लिखाया? बैलेंस शीट के लायबिलिटी माइनस करवाया. वो तो उल्टा एक्सपेंस नहीं है, वो उल्टा मेरा इन्वेस्टमेंट कम करता है ओनर का. हाँ बोलो. हाँ चाय पी रहे, इट इज इंटर एक्सपेंस. टी एक्सपेंस ना गुड्स को परचेस के दौरान लगा और ना ही गुड्स को बनाने के दौरान लगा. बराबर कि नहीं? तो बताओ क्या हो गया मेरा इंडर एक्सपेंस? नो नॉट पर्सनल. जैसे एग्जांपल सफाई कराई, इंडर एक्सपेंस. और कोई ट्राई करेगा? अभी इसका कंसेप्ट ही अलग है, इसके लिए अलग सोचना पड़ता है. समझा? अलग सोचना पड़ता है. अब बताऊंगा क्या है. सुनो देखो पर्सनल एक्सपेंसेस कहेंगे. सुनो अब आज से तुमको थोड़ा व्यू चेंज करना पड़ेगा. ओके पहले बताओ रेवेन्यू और कैपिटल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? डायरेक्ट इंडायरेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है? यानी आपने इन्होंने जितने भी बताए, एक टीक एक्सपेंसेस मिसलिन, इसको जनरल एक्सपेंस बोलते हैं हम. अरे टी रिफ्रेशमेंट आता ना, नाश्ता वास्ता आता रोज दुकान में, तो उसको एक ही नाम दिया जनरल एक्सपेंसेस.
मटेरियलिटी कम करना है, ट्रैफिक पढ़ा था ना, मर्ज कर लो, सही कि नहीं? अरे समझ में आ रहा कुछ? थोड़ा शॉर्टकट शॉर्टकट बोल रहा मैं, हाँ ध्यान दो। देखो ये जो आपने सो बताया ना, सब ये सब इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या थे हमारे? दुकान के नाश्ता बुलाओ, साफ सफाई कराओ, क्लीनिंग एक्सपेंस, सब इंडायरेक्ट है, क्या ये इंडायरेक्ट? हाँ, लेकिन पर्सनल एक्सपेंस अलग रूप में आता है। सुनो अब इसका मतलब क्या है, मैं आप बता रहा हूँ, ध्यान दो और समझो उस चीज को। देखो जब भी बिजनेस और मालक आपस में डील करते हैं, तो इन द आईज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग लॉ, ओनर आर सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। गॉट इट? तो जब भी ओनर अपने हक का प्रॉफिट के अलावा, देखो फैक्टर ऑफ प्रोविजन पढ़ाया हुआ है मैम ने, फैक्टर ऑफ प्रोविजन पढ़ाया हुआ है, बट लैंड गेट्स रेंट, कैपिटल गेट्स इंटरेस्ट, ओके लेबर गेट वेजेस, एंड एंटरप्रेन्योर गेट प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर तो ओनर, कौन हुआ? ओनर, ठीक है, ये उनका रिटर्न रिवॉर्ड है, क्या उनका वो? ये बिजनेस के अंदर चार फैक्टर तुमको पढ़ाए होंगे ना इकोनॉमिक्स में, देखो सब चीजें अलग अलग नहीं होती, सब लिंक्ड होती, क्या होती है? समझा आपको क्लियर? हाँ, ऐसा नहीं कि हम लोगों को इकोनॉमिक्स नहीं आता, हमको सब आता, सभी टीचर को सब कुछ आता, सब फर्क इतना है वो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टाइजेशन है, क्या है वो? हाँ, यानी MBBS पढ़ के हमने MD बन दिया एक सब पार्ट में, समझा आपको क्लियर? तो देखो सुनो, जनरली हमने देखा है कि ओनर का बिजनेस में हक होता है प्रॉफिट पे, बराबर कि नहीं? लेकिन ओनर जब बिजनेस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेकर प्रॉफिट के अलावा बिजनेस से लेता है और बिजनेस अपने हक का एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेकर और बिजनेस उसको देता है ओनर को, क्योंकि बिजनेस में ओनर ने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिया है उस पर, तो तब हम वो अब बताओ जो बिजनेस उसको पे करेगा ओनर को, तो बिजनेस अकाउंटिंग किसके रहे? ओनर की बिजनेस की? तो सोचना किसके हिसाब से है, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स एक्सपेंस, बट ये एक्सपेंस कहीं बाहर नहीं जा रहा, ओनर के पास जा रहा, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर एज ए पर्सनल एक्सपेंसेस। अब सर ये जो आपने बताया हमको कुछ भी सीधा नहीं समझा, चल बता दे। हाँ, नहीं देखो कमाई का नहीं बोलेंगे, कमाई आपने दो घंटे ज्यादा काम किया ये बात सही बोली, लेकिन आपने कमाई क्या आ लिया वापस? मैंने क्या बोला, जब भी मालक प्रॉफिट के अलावा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेकर, क्योंकि मालक का तो प्रॉफिट पे हक है ही ना, वो जन्म से अधिकार है उसका, एंटरप्रेन्योर गेट प्रॉफिट, बराबर कि नहीं? तो मालक का तो प्रॉफिट पे हक है ही, बिजनेस में जो साल भर उसने मेहनत की वो मेहनत का उसको प्रॉफिट तो मिलना ही है ना भैया, रिटर्न रिवॉर्ड, सही कि नहीं? लेकिन मैं क्या बोला, प्रॉफिट को छोड़ के जब भी मालक एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेकर बिजनेस के अंदर अपने हक का ड्रॉइंग नहीं है, ड्रॉइंग इज डिफरेंट, अपने हक का बिजनेस से कुछ रेमुनरेशन मांग रहा है, क्या मांग रहा है? रेमुनरेशन, और मालक के लिए वो इनकम है, लेकिन हम अकाउंटिंग मालक की नहीं कर रहे, हम कर रहे दुकान की। अब जब एक पार्टी के लिए इनकम है तो दूसरे पार्टी के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस हुआ, लेकिन वो एक्सपेंस बिजनेस को कहीं बाहर नहीं पे करना है, मालक को दे रहा है ना, घर पे जा रहा, तो वो एक्सपेंस को अपन बोलेंगे पर्सनल एक्सपेंस। अब इसको मैं एग्जांपल के तौर पे सुनाता हूँ बजाय उलझी बातें को रिवील करके। हाँ नहीं, रिस्की नहीं बेटा, देखो रिस्क पे ही प्रॉफिट मिलता है एक्चुअली, बता रहा हूँ एग्जांपल। अब इसका एक स्टोरी सुनना पड़ेगा, आज के बाद पर्सनल एक्सपेंस जस्टिफाई कर लोगे। ये स्टोरी सिर्फ एक एग्जांपल है पर्सनल एक्सपेंस का, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको टोटल पर्सनल एक्सपेंस कवर करने पड़ेंगे, वो कब आगे बताया जाएगा, लेकिन सिर्फ अभी एक कंसेप्ट समझ लो, व्हाट इज पर्सनल एक्सपेंस। ये नया कंसेप्ट सभी के लिए होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये ना आपके फ्रेंड के पास होगा किसी के पास, और ना ही कोई और इसको पढ़ाता है एक्चुअली, 11-12 में तो बिल्कुल नहीं पढ़ाता है, और फिर आगे का बेस आपका अच्छा बनता है। समझा आपको क्लियर? ध्यान देंगे सभी लोग, देखो इधर 12th में है ना, लेकिन इसको बताते नहीं है लोग, क्यों बताते आना मुझे चाहिए लोग। देखो क्या हो रहा है आजकल, सब लोग बुक खोल के सिर्फ बैठ जा रहे हैं, ये चीजें बुक में नहीं है कहीं पे भी,
समझा आपको क्लियर? हाँ ध्यान दो, देखो अकाउंटिंग पढ़ाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, बिसाइड जाना पड़ता है हमें, क्योंकि सिर्फ बुकिश नॉलेज देंगे तो वहीं का वहीं सिम जाएगा हमारा। तुमको अगर ब्रॉडर कंसेप्ट कवर करना है तो थोड़ा रीरूट करना पड़ेगा अपने गाड़ी को। ध्यान दो देखो, हाँ अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पर्सनल एक्सपेंस को बोलते हैं, पर एक बार मीनिंग सब लोग मुझे बोलेंगे। बोलो, जब भी बिजनेसमैन मींस ओनर, हाँ प्रॉफिट के अलावा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेकर अपने दुकान से मींस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स का रेम्यूनरेशन मांगता है या कुछ तो भी रिटर्न मांगता है प्रॉफिट को छोड़ के, तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ। लेकिन वो एक्सपेंस कहीं बाहर पे नहीं करना पड़ रहा, आउटसाइड वो घर के घर में आ रहा, मालक और अपन ही मिलके है ना, मालक और ओनर, हाँ मत बोलो ये, तो वो एक्सपेंस को अपन पर्सनल एक्सपेंसेस बोलेंगे। क्लियर पिक्चर? और ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू तो वो इनकम है, क्या हुई उसके लिए, क्योंकि ओनर को मिल रहा है, बिजनेस दे रहा है। अपन अकाउंटिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे तो सोचना बिजनेस के हिसाब से ना, दुकान के हिसाब से। देखो इधर एग्जांपल अब सुन लीजिए, देखो अब सपोज फॉर एग्जांपल लक्ष्य, देखो किसको भी माइंड में लूंगा, मुझे वो पिक्चर को आगे नहीं बढ़ाना है, खत्म करने में पे। अब लक्ष्य और शशांक, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जस्ट कोई माइंड नहीं करेगा, ओके कोई माइंड नहीं, यहीं पे छोड़ के जाना है, तो मैं एग्जांपल यहां पे दूंगा नहीं आपके, नहीं तो फिर एक्स और वाई में चलाऊंगा, फिर वो पर्सनल टच नहीं होता फिर उसमें। लक्ष्य और शशांक दोनों बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। अब क्या हुआ, शशांक जो है वो मध्यवर्गीय फैमिली से आता है, मिडिल क्लास फैमिली, और लक्ष्य थोड़ा रईस है, अज्यूम करो क्या करना है, अज्यूम। अब वो इस तरीके से दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, तो बेस्ट फ्रेंड होने के नाते अब दोनों क्या चाहेंगे, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, बराबर कि नहीं भाई, दोस्त है ना। हाँ तो वो इस तरीके से दोनों बड़े हुए साथ साथ, लंगोटिया यार थे, यानी बचपन से बचपन की फ्रेंड थे, उसको अपन लंगोटिया यार बोलते हैं, हाँ ठीक है, हाँ समझा ना, ठीक है। तो क्या हुआ, बचपन के फ्रेंड्स थे, बड़े साथ हुए, स्कूल साथ पढ़े, कॉलेज भी साथ में, ट्यूशन क्लास भी साथ में आए मेरे पास, और आखिर बड़े हो गए। अब थोड़े बड़े ऐसे हो गए कि घर में उनको रोज ताने मारने लगे, बेटा नाला है वो, अभी कुछ अपना भी करो, बराबर जैसे बोलते जनरल फैमिलीज में। तो फिर हुआ इस तरीके से, दोनों ने डिसाइड किया कि यार चलो, दोनों ने डिसाइड किया, डिसाइड अरे डिसाइड बोला, डिसाइड एक्चुअली क्या हुआ, मैंने एक साथ बोल दिया ना तो तुमको लगा ऐसा, बेटा दोनों ने डिसाइड किया, क्या किया, डिसाइड किया, डिसाइड किया कि दोनों साथ में बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं। अब लक्ष्य का ऑलरेडी एक बड़ा वेल एस्टेब्लिश बिजनेस था, काय का था, कपड़े का, नहीं मेडिकल का, सपोज मेडिकल का दुकान था, सबको पीछे तुम्हारे, ध्यान उधर। अब वो इस तरीके से हुआ, इस तरीके से दोनों, अब शशांक बेचारा न्यू आया अभी, मतलब स्ट्रगलर हम बोलेंगे ना भाई, स्ट्रगलर रहा, तो उसने जॉब्स करके अपनी सेविंग्स की थी कुछ कॉलेज टाइमिंग पे, और सेविंग में उसने कैसे तो भी 5 लाख रुपए जमा किया। 5 लाख रुपए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है, बराबर कि नहीं। दोनों ने डिसाइड किया कि चलो अपन दुकान खोल लेते हैं। अब लक्ष्य का ऑलरेडी एक्सपीरियंस था और शशांक को भी इस फील्ड में अच्छा लगता था, दोनों ने सोचा कि मेडिकल का दुकान खोलते हैं। तो उन्होंने अपनी LS नाम का मेडिकल स्टोर खोला। अब बताओ कौन सा स्टोर हुआ, ये पार्टनरशिप फॉर्म हुआ, पार्टनरशिप फॉर्म हुआ ना, दो लोग आए मेरे पास था रजिस्ट्री करने, करा के दिया मैंने डीड बनाकर, मैं वकील, कौन हूँ मैं, एडवोकेट ए, अज्यूम करो, हाँ ठीक है, हाँ समझ में आया पिक्चर।
अब हुआ इस तरीके से, यहाँ पे दोनों ने मेरे से एग्री बनाया, रिटर्न डीड बनाया, मैं रजिस्टर किया रजिस्ट्रार के पास, उसमें 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लक्ष्य ने भरी, जो एकदम चिल्लर बात थी, क्या थी, और 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, हाँ ये कैपिटल, फर्म नेम क्या था, हाँ ये फर्म नेम, एग्रीमेंट डीड में क्या क्या लिखते हैं हमने देखा हुआ है, हाँ फर्म नेम आया, फिर पार्टनर्स का नाम, तो पार्टनर का नाम क्या है बोलो, हाँ पार्टनर्स नेम लक्ष्य एंड शशांक, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट रेशियो होगा इक्वल 1:1, अब पार्टनरशिप में बांटना पड़ता ना, तो इनका 1:1 रखा, यानी आधा आधा बांटेंगे, और इनका एग्रीमेंट में टाइमिंग डिसाइड किया हमने कि 6 घंटे सुबह के शशांक बैठेगा, कौन बैठेगा, शशांक, और शाम के 6 घंटे लक्ष्य बैठेंगे, क्लियर पिक्चर, हाँ ऐसे 6 घंटे की 12 घंटे दुकान चालू रहेंगी, मेडिकल की दुकान जो है वो 12 घंटे क्या 15 घंटे भी चालू होती है, क्लियर पिक्चर, समझा अच्छे से, ओके डन। अब हुआ इस तरीके से, वहां पे क्या हुआ, शुरुआती दिनों में सब कुछ सही चला एकदम मस्त, सुबह के 6 घंटे बेचारा 9 बजे दुकान खोलता है ईमानदारी से शशांक, और दिन को लक्ष्य आ जाता, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही 1 महीना हो गया, दूसरे महीने से लक्ष्य आना बंद कर दिया, अब एक बार एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन देखा, सुबह से घड़ी जो बैठ रहा शशांक बेचारा तो बैठ ही रहा, आने का आता ही नहीं, वो फोन नहीं कर रहा तो फोन उठाने को रेडी नहीं, तो हुआ इस तरीके से, सबको समझ में आ रही पिक्चर, हाँ देखो एक्स्ट्रा एफर्ट किसको बोलते हैं, ध्यान दो, अब समझा रहा हूँ मैं आपको, पर्सनल एक्सपीरियंस किसको बोलते हैं, आगे पार्टनरशिप फॉर्म में आएगा वहाँ पे। तो फिर हुआ क्या, शशांक ने सुबह से लेकर दोपहर तक के बैठा, दोपहर के बाद किसका भाई ड्यूटी था, लक्ष्य का, अब जब प्रॉफिट रेशियो इक्वल है, इन्वेस्टमेंट इक्वल है, तो दोनों का मैनेजमेंट भी इक्वल होना चाहिए ना, कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर कि नहीं, लेकिन दूसरे महीने में लक्ष्य आया ही नहीं, पूरा महीना आया ही नहीं, शशांक बेचारा अपना सब्र रख के रख रहा था, क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी अमाउंट थी 5 लाख रुपए, और ऑर्डिनरी पीपल्स के लिए 5 लाख रुपए बड़ी अमाउंट है ना, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिखते ना फिर। तो आखिर तीसरे महीने में लक्ष्य आया, और शशांक ने बोला बैठ बात करनी है, और शशांक ने उसको बिठाया, बोला भाई देख बिजनेस दोनों साथ में किया था, दोस्त है तू मेरा, बराबर है, तो दुकान पे क्यों नहीं आना मेरे को वो बता, बोला देख भाई मेरा तेरे साथ जो मैं दुकान खोला, सिर्फ मेरा ये दुकान नहीं है, मेरा एक बहुत बड़ा दुकान वेल एस्टेब्लिश दुकान है, मुझे वहाँ भी जाना पड़ता है। तो शशांक बोला ये पहले क्यों नहीं बताया तूने मेरे को, बोला पप्पा बोल रहे यहाँ भी ध्यान दे, अब मैं दोनों तरफ ध्यान दूंगा क्या बता, मैं यहाँ भी ऑलरेडी 5 घंटे बैठ रहा हूँ, मेरे को और नहीं होता, मेरे से होता नहीं काम। और तो शशांक बोलता क्या करना है बोल, तो बोला भले बंद कर दो, बंद कर, लक्ष्य ने बोल दिया उसको, क्या बोल दिया, बंद कर दो, क्योंकि 5 लाख मेरे को ये बड़ी अमाउंट नहीं है मेरे लिए, लेकिन शशांक के लिए बड़ी अमाउंट थी वो, क्योंकि उसकी सेविंग थी जिंदगी भर की वो, तो दुकान बंद कर सकते नहीं है इसमें, शशांक के पास ऑप्शन नहीं है, लक्ष्य के पास ऑप्शन है, क्योंकि उसके 5 लाख गए तो भी नहीं पड़ता है ना, बराबर कि नहीं, दुकान बंद होगी लॉस में कुछ ना कुछ आएगा ना, शशांक नहीं चाहता है कि दुकान बंद हो, क्योंकि दुनिया ताने मारेगी, क्योंकि एक बार अगर आपने कुछ स्टार्टअप किया और नहीं कर पाए तो आपको तो मालूम है आधा आपको दुनिया ही मार देती है, होता है जनरली नॉर्मल इंसान का होता है, अमीर का नहीं होता है, एक आम नागरिक का होता है, 10 लोग बोलते दुकान बंद कर दिया, फिर बोलते दुकान बंद कर दिया, ऐसे सुनने को मिलता है, आपको दिखाऊंगा आपके इर्द गिर्द चर्चा होती है। तो फिर हुआ इस तरीके से, शशांक ने बोला कि देख भाई लक्ष्य तेरे लिए LS मेडिकल स्टोर एक साइड इन्वेस्टमेंट है मैं मानता, लेकिन मेरे लिए जिंदगी भर की मेहनत है मेरी, इसको बंद नहीं कर सकते अपन। तो लक्ष्य ने बोला करना क्या है पता, देख तू अगर दुकान पे नहीं आ चाहता ना, ठीक है मत आ, जान दे तेरे 6 घंटे मैं बैठता, कोई बात नहीं, मैं अपने 6 घंटे की ड्यूटी देता, लेकिन जो 6 घंटे एक्स्ट्रा है तेरे वाले वो भी बैठने को रेडी हूँ चल में, लेकिन मुझे क्या मिले, क्योंकि देखो प्रॉफिट तो आधा से मिल रहा, इन्वेस्टमेंट दोनों की आधी आधी, प्रॉफिट आधा आधा, तो मैं तेरे 6 घंटे क्यों बैठूं। तो लक्ष्य बोलता मुद्दे की बात कर क्या चाहिए, वरना उस लक्ष्य शशांक ने बोल दिया लक्ष्य को कि मेरे को बिजनेस से सैलरी चाहिए, क्या चाहिए, तो बोला लक्ष्य ने बोला प्रॉफिट तो ले रहा है ना, प्लस प्रॉफिट के अलावा जो मैं 6 घंटे एक्स्ट्रा बैठ रहा हूँ ना, उसका मुझे अलग से रेमुनरेशन चाहिए बिजनेस के अंदर, वो बिजनेस का एक्सपेंस दिखेगा, यानी क्या होगा, पहले प्रॉफिट जो आएगा उसमें से पहले मैं सैलरी लूंगा, फिर जो एक्सपेंस दिखाकर फिर जो बचेगा वो आधा आधा बटेगा, वो आधा आधा बटेगा, बोला कितना, बोला महीने के 5,000 रुपए,
क्या बोला, महीने के 5000 रुपए। तो महीने के 5000 रुपए तो 12 महीने कितने होते, अरे बोलो ना लायक को। हाँ सबको समझ में आ रहा, अच्छे से कोई डाउट नहीं है। देखो पर्सनल एक्सपेंस में लाइफ में एक ही बार सुनूंगा मैं, 12th में कभी जिक्र भी नहीं करूंगा इसका, ये बेस है। 10 दिन मांगे तुमसे, एक एक चीज यहां से ले लो मेरे यहां से। हाँ तो बताओ कितने होते, 60,000 रुपए होते साल के, बराबर है कि नहीं, ये पर मंथ है। हाँ लक्ष्य शशांक को जो 6 घंटे लक्ष्य के है वो जरा एक्स्ट्रा ड्यूटी, उसके 60,000 रुपए साल के सैलरी चाहिए बिजनेस से, बिजनेस यानी किससे, मेडिकल स्टोर से। तो लक्ष्य ने बोला समझ में नहीं आया क्या बोला, देख अगर सपोज अभी हमारे पास 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुए, क्या हुए 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुए, अब 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुए ये हमारे सपोज साल भर का, तो 2 लाख में से पहले मेरी पर्सनल सैलरी, पर्सनल सैलरी साल की 60,000 रुपए कटेगी, ये मुझे मिलेंगे। अब फिर बचे कितने, ये 1,40,000 रुपए जो हमारा कार्ड शर्ट के प्रॉफिट आया, इसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, क्या बोलते बेटा लोग, ये बटेंगी आधी आधी, कितनी कितनी, हाँ लक्ष्य के पास 70, एक मिनट, और शशांक के पास 70। तो लक्ष्य बोलता है ये तो हलवा है, मेरे को 70 दे रहा और बाकी सब तू तू अंदर ले रहा, बराबर कि नहीं, जबकि इन्वेस्टमेंट दोनों की अलग, एक ही इक्वल है। तो शशांक ने बोला देख इन्वेस्टमेंट इक्वल है लेकिन मेरा मैनेजमेंट पावर बढ़ गया, तू बन गया अब स्लीपिंग पार्टनर। अरे टाइप ऑफ पार्टनर पढ़ाया हुआ है नालायक को, क्या बन गया तू, और मैं एक्टिव पार्टनर हूं, तो एक्टिव पार्टनर होने के नाते मुझे फर्म से रेमुनरेशन तो बनता है, क्या बनता है सैलरी। तो देखो अब टोटल मिला के शशांक को कितना मिलेगा, 70,000 रुपए प्रॉफिट और 60,000 रुपए उसकी पर्सनल सैलरी, बराबर कि नहीं। तो ऐसे करके लक्ष्य को शशांक को 1,40,000 किसे होगा 30 होगा ना, 1,30,000 मिलेगा 2 लाख में से, और लक्ष्य को सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा कितना, नेट प्रॉफिट कितना मिलेगा 70। तो इसी को बोलते हैं पर्सनल एक्सपेंस, जो ओनर को उसके हक का प्रॉफिट के अलावा मिला उसके एक्स्ट्रा एफर्ट्स से दिए। समझा आपको क्लियर, तो व्हाट इज अ पर्सनल एक्सपेंस, समझा आपको, तो पर्सनल सैलरी टू ओनर ये होता है। अब सर ये पार्टनरशिप में बताया, सोल ट्रेडिंग का सिर्फ होता है, यस होता है, बिजनेस बात करता है तुमसे कैसे, अगर तुमने एग्रीमेंट में लिखा है, तो तुमने अगर एग्रीमेंट में दिखाया कि मैं दुकान से पर्सनल सैलरी ले रहा हूँ या कुछ कमीशन लूंगा, तो उसको अपन पर्सनल सैलरी क्लेम कर सकते हैं। हाँ आपको कुछ क्वेश्चन था पूछिए प्लीज जरा, सॉरी जरा फास्ट बोलिए, जैसे कि हाँ 6 घंटे शशांक ज्यादा बैठा, हाँ वो प्रॉफिट रेशो भी चेंज कर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो प्रॉफिट रेशो चेंज में क्या होता था, अगर ज्यादा प्रॉफिट आया तो उसको सैलरी के ऊपर मिल रहा ना, तो वो लक्ष्य होता था जान दे मैं 5000 में आदमी रखता फिर। अरे प्रॉफिट रेशो में क्या हो गया, सपोज 5 लाख प्रॉफिट होगा और 2:1 कर दिया उसने, क्या कर दिया उसने, तो अब सपोज 6 लाख प्रॉफिट हुआ तो 4 लाख मिलेंगे शशांक को और 2 लाख मिलेंगे लक्ष्य को। अब यहाँ कितने भरने पड़ रहे उसको, सब 60 और बाकी उसको चत्ती कितनी लगी, 1 लाख की, क्योंकि 6 लाख होते थे अगर प्रॉफिट तो 3-3 बटने चाहिए ना, तो लक्ष्य नहीं मानता ना। देखो वही बोल रहा हूँ क्या हो रहा है, अगर तुम प्रॉफिट रेशो चेंज करोगे तो दूसरा पार्टनर जो नहीं आ रहा है स्लीपिंग पार्टनर बन रहा है, वो भी तो मानने को ना, वो बोलेगा ठीक है मत आ, मैं अपना 5000 में आदमी रखता अपने टाइम का, सही कि नहीं। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अभी प्रॉफिट कम है हमने रखा। अब जैसे एग्जांपल देखो, अगर 6 लाख प्रॉफिट होता, 6 लाख प्रॉफिट होता था 6 लाख रुपए सपोज, तो यहाँ पे 60,000 रुपए ही उसको सैलरी मिलते थे, किसको शशांक को, अगर 5000 महीना पकड़े तो बने, तो यहाँ पे क्या हुआ प्रॉफिट बचा कितना बाकी 5,40, अब बटेगा कितना, तो 5,40 का आधा कितना होता, 5,40,000 का आधा होता है 2,70,000, बराबर कि नहीं, और 2,70,000
अब शशांक को 270,060 कितने मिले? 330,000 और अगर रेशियो चेंज करता था 2:1 तो शशांक के पास 600,000 का डायरेक्ट 400,000 रुपया आता था। हाँ जो भी है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसकी हमने एक फिक्स इनकम ईयरली डिटरमाइन कर दी। तो बड़ा इनकम नहीं, तो वो अगर बढ़ाएगा तो दूसरा पार्टनर क्या बोलेगा कि जहाँ मतदा 6 घंटे मैं अपना 5,000 में तो कोई भी आदमी मिल जाएगा ना। अरे 6 घंटे की ड्यूटी देने के लिए कोई 5,000 का आदमी नहीं मिलेगा अपने को, बताओ। एक एग्जाम्पल दे रहा बेटा, अब तुम तो सही में उसको रियल में लेके बैठे हो। मैं एक एग्जाम्पल दिया, क्या हो गया, रेशियो चेंज नहीं करते भरत चंद्र। क्यों? क्योंकि इस एक्सपेंस फिक्स रखना है एक ईयरली, और रेशियो में क्या हो जाएगा, बहुत इनडिफरेंट होगा तो दूसरा पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर नहीं मानता। तो उसने लक्ष्य बोला रेशियो को मत ला, तो लगे तो 5,000 रुपये मैं दूसरे को दूँ, मेरे जगह आदमी को तू ले ले, तेरे को नहीं दे दो। अब शशांक क्या बोलेगा, भाई मैं किसी और एरे गेरे में बिजनेस में ट्रस्ट करूंगा नहीं, और उसका लॉस बिजनेस में अगर उस एरे गेरे लॉस लाया तो इन शॉर्ट मेरा भी लॉस होगा, तो जान दे मैं ही बैठ रहा, मेरे को 5,000 रुपये सिल लग के दे देना महीने के। सजा आपको क्लियर? ओके गॉट इट। अब ये एक समझदारी वाली पॉइंट है और कुछ नहीं है, टर्म्स है, हुए तो हुए नहीं हुए तो मत रखना, फिर नो पर्सनल एक्सपेंसेस। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्या चला राइट, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में अब देखो ये पर्सनल सैलरी हुई, ऐसे ही पार्टनर कमीशन भी लेता, कमीशन कमीशन जितना माल उसने बिकवा के दिया। एग्जाम्पल दू, एग्जाम्पल दू, सपोज क्या हुआ, देखो सेम पिक्चर में अब नंबर टू एग्जाम्पल पर्सनल एक्सपेंस पे थोड़ा जिक्र करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट है हमारा, सेंसिटिव मुद्दा है ये पर्सनल एक्सपेंस। मैं बाद में डिस्कस नहीं करूंगा इसके ऊपर, आज जो पूरा मुद्दा मैं खत्म करता हूँ लगे तो एक सेशन दे रहा हूँ उसको मैं, लेकिन लाइफ में अभी नहीं पूछता मुझसे कभी नहीं व्हाट इज पर्सनल एक्सपेंस नाउ आफ्टर दैट। क्लियर पिक्चर? देखो इधर अब क्या हुआ, सपोज पिक्चर सेम चला रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो है कमीशन टू पार्टनर। अब सर पार्टनर को कमीशन भी देने की नीड क्या है, दुकान में मालिक है वो कमीशन भी ले रहा, प्रॉफिट भी ले रहा, कमीशन मिलेगा ले सकता है अगर दोनों का समझौता हुआ तो, रिमेनिंग पार्टनर एग्री हुए तो, और वो भी पर्सनल एक्सपेंस देना जाएगा, क्योंकि बिजनेस जब कमीशन दे रहा है पार्टनर को तो वो पैसा कहीं बाहर जा रहा क्या, वो घर में आ रहा है, यानी ओनर के पास जा रहा है, उसके हक का मिल रहा है उसको, इसलिए हम उसको पर्सनल एक्सपेंस गिनेंगे। अब एग्जाम्पल दूँ, सब यही पिक्चर चल रहे हैं। अब क्या हुआ, लक्ष्य और शशांक दुकान चला रहे हैं, दोनों ने डिसाइड किया 5-5 लाख रुपये लगाए दुकान में, लागत लगाए, नाम रखा LS मेडिकल स्टोर, रेशो रखा 1:1, 6-6 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं। अजुम अब भूल जाओ सैलरी ले रहा, भूल जाओ लक शशांक, हाँ 6-6 घंटे आ रहा, लक्ष्य भी आ रहा इज्जत से और शशांक भी आ रहा इज्जत से। बेटा ये एग्जाम्पल सब लिख के रखो, जिंदगी भर काम में आएंगे तुमको, और ये हेड्स फाइनल अकाउंट सॉल्व करते जाएंगे तो तब मैं वहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, वहाँ तब ये मुद्दा नहीं रहेगा, तब मैं सिर्फ परफॉर्म कराऊंगा बस। देखो इधर अब हुआ गया, यहाँ पे भरत लक्ष्य को एक कंसाइनमेंट आया है, दोनों ने होलसेल की दुकान खोली, क्या खोली है? अब क्या हुआ, एक नया हॉस्पिटल बन रहा है, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, उसमें लक्ष्य को ऑर्डर आया कि पूरे हॉस्पिटल की मेडिसिन आप सप्लाई करोगे। अब वो हॉस्पिटल उसके दोस्त के रिश्तेदार की है कोई, तभी लक्ष्य है, लक्ष्य के पास है। पिक्चर क्या है, पिक्चर वही है, देखो सेम चल रहा हूं। अब लक्ष्य दुविधा में है, क्यों पूछो, क्योंकि लक्ष्य दुविधा में इसलिए है क्योंकि लक्ष्य के पास दो दुकानें हैं, नोटिस करो, एक उसके खुद की फर्म जो वेल एस्टेब्लिश है, और दूसरी जो उन्होंने न्यू स्टार्टअप किया, बराबर कि नहीं। तो अब लक्ष्य अगर पूरा प्रॉफिट रखना चाहेगा तो चुपचाप से वो अपने मेडिकल जो पर्सनल वाली मेडिकल है वहां से कंसाइनमेंट पास कर देगा, यानी ऑर्डर पास कर देगा, बराबर कि नहीं, मानते हो कि नहीं। और कोई भी हो जनरली अपना ही बेनिफिट है ना, दोस्ती यारी बात नहीं, पहले बिजनेस, बराबर कि नहीं। शशांक पर्सनल रिलेशन अपनी जगह होते हैं, प्रोफेशनल अपनी होते हैं, वैसे बिजनेस अपनी जगह होता है और दोस्ती अपनी जगह। तो लक्ष्य वो टेंशन में था 2-3 दिन, शशांक ने पूछा क्या हुआ भाई, पता कुछ टेंशन में दिख रहा है, बोला यार लक्ष्य शशांक में तेरे कोई छुपाना था नहीं, मेरे पास ना कम से कम 10 लाख का ऑर्डर आया हुआ है। शशांक मनी मन लड्डू फूटे, क्या बात है, फिर बोलना बोलना यहाँ से पास करते ना उसको। बोला देख यार देखो फ्रेंकली बोलू क्या, मेरे पास दूसरी दुकान भी अपनी, बराबर कि नहीं,
तो मेरी इच्छा वहाँ से, बोला यार अभी ऐसे करेगा क्या, बस एक दोस्ती अपने गए और रोजी रोटी अपने जगह गए। अगर वो अपनी पर्सनल जो उसकी दुकान है सोल ट्रेडिंग कंसर्न में चला रहा जो है उसके पापा की, अगर वो वहाँ से कंसाइनमेंट ही पास करता है ना, ऑर्डर पास करता है, तो पूरा प्रॉफिट जेब में। लेकिन यहाँ जो पास करेगा तो इसमें उसको बंटवारा करना पड़ेगा ना, सही कि नहीं, क्योंकि ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो आधा होगा। सबको समझ में आ रहा है पिक्चर पक्का? तो हुआ इस तरीके से, उसने वो उसने क्या किया। अब तुम होते तो क्या करते थे बताओ? पर्सनल जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न चला रहे हो दुकान पप्पा की, उसमें से ऑर्डर पास करते कि पार्टनरशिप में? इमोशनल मत जाओ, प्रैक्टिकल बात करते हैं। पर्सनल करते थे बराबर है, बराबर। आखिर में तो कोई भी ओवरऑल अपना अपना ही देखेगा ना, सही कि नहीं? तो फिर हुआ इस तरीके से, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे उसने उसने क्या किया, उसने शशांक से बात की, शशांक देख 10 लाख का मैं ऑर्डर अपने मेडिकल स्टोर से पास कर रहा हूँ, अपने पार्टनरशिप फॉर्म वाले से, यानी यहाँ से ऑर्डर ले रहा हूँ, बस डिलीवरी यहाँ से कर रहा हूँ, सेल भी यहाँ दिखाएंगे अपन, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तो शशांक पूछता क्या चाहिए, बोलता प्रॉफिट के अलावा कमीशन 1%, यानी प्रॉफिट तो लूंगा ही लूंगा, साथ में 1% कमीशन देगा, तो बोल मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ। अब बताओ 10 लाख का 1% कितना होता? 10,000 रुपये होते, कितने होते? अब निकाल के दिखाऊंगा तुमको, 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी अमाउंट का 1-0 कम किया 10%, और 1-0 कम किया तो 1% 10,000 होते, करके देखो। अब 10,000 रुपये ये 1% है, बराबर है कि नहीं? यानी प्रॉफिट तो लेंगे लेंगे वो, इसके अलावा वो बिजनेस से कमीशन एक्सपेक्ट कर रहा लक्ष्य, कि अगर मैं पार्टनरशिप फॉर्म से ऑर्डर डिलीवरी करूँ, सेल करूँ इधर से, तो मेरे को 1% कमीशन देगा सेल का। शशांक मान गया, शशांक मान गया, बोला ठीक है दिखा दे। तो फिर जो बिजनेस अब उसको प्रॉफिट के अलावा लक्ष्य को 1% कमीशन दे रहा, क्या दे रहा? तो बताओ वो बिजनेस के लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ, लेकिन ये एक्सपेंस कहीं बाहर पे करना पड़ रहा क्या? घर के घर में। तो इसलिए मालक का जो उसके हक का मिला उसको, उसको बोलते हैं पर्सनल एक्सपेंस। समझा आपको क्लियर? यानी ये पर्सनल एक्सपेंस मालक और दुकान के बीच की बात है, समझा क्लियर? अब आप लोगों के साथ ऐसा होता ही नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में, कोई नहीं करता ऐसा, पार्टनरशिप फर्म से कोई करता नहीं था, सोल ट्रेडिंग कंसर्न करता था बिना बता शशांक को। होता है कब पता है? कब जब यहाँ पे ओवरऑल सेल बहुत ज्यादा आता है, इनकम टैक्स के क्राइटेरिया के ऊपर आ गए हो। आप देखो जिसका टर्नओवर ज्यादा होता है ना, वो अंदर ही अंदर दो फॉर्म चलाता है, दुकान दिखती है कि है, लेकिन अंदर दो नाम से बिल्स फटते हैं, आपने देखा होगा। क्यों फटते हैं बताओ? क्योंकि अगर हम क्या होता है, इनकम टैक्स का एक स्लैब होता है, क्या होता है स्लैब। अगर आपने 5 लाख तक इनकम भरी है करिए तो 10%, 5 लाख से 10 लाख तक भरी तो 20%, 10 लाख से ऊपर आपका साल का इनकम जा रहा है तो डायरेक्ट 40-50% गवर्नमेंट टैक्स लेती है हमसे। तो उसके नीचे आने के लिए वो अपना टर्नओवर को दो फर्म्स में डिवाइड करता है। अब ये लक्ष्मी बहुत चालाक है, क्या है चालाक, क्या है चालाक? हाँ, लक्ष्मी ने क्या देखा कि ऑलरेडी मेरा यहाँ पे टर्नओवर बहुत हाई हो गया है, साल का सेल्स बहुत है यहाँ पे, और यहाँ से अगर 10 लाख का और बिल फड़ाऊंगा तो मैं इनकम टैक्स के स्लैब में ऊपर नेक्स्ट स्लैब में आ जाऊंगा, यानी अगर वो 20% में आता हूँगा डायरेक्ट 40% में आएगा। अब उसको लेने के देने पड़ेंगे, इसलिए उसने जानबूझ के इमोशनली शशांक से खेला, और उसने लेने के देने तो नहीं किए, साथ में अपने दूसरे वाले फर्म से सेल करवाया और कमीशन भी लिया। तो ये कंडीशन में करता है पार्टनर कभी कभार, समझा? कि उसका जो मेन बिजनेस है अगर उसका ऑलरेडी टर्नओवर ज्यादा है तो अपन दूसरे बिजनेस में दिखा देंगे उसको, गॉट इट? समझा? तो ये खेलने का तरीका है, क्या है ये? बट ये पर्सनल एक्सपेंस है, कमीशन, ठीक है क्लियर? अब कमीशन क्यों दी जाती है, समझा? समझा? हाँ, क्लेम किया उसने, क्या किया? आइडिया के लिए शशांक के साथ कि भाई देख मेरे पास तो दुकान दूसरी भी है सोल ट्रेडिंग की। अब असली बात क्या थी उसको नहीं पता शशांक को, क्योंकि वो इनोसेंट है बेचारा, क्या है? मासूम, इनोसेंट, समझा बच्चे लोग? हाँ। अब सर ये पार्टनरशिप के दोनों एग्जाम्पल दे दिए, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता? सोल ट्रेडिंग कंसर्न में तो पार्टनर सैलरी ले सकता है, ओनर सैलरी ले सकता है, ले सकता है सर, लेकिन ये काम में करेगा क्यों सोल ट्रेडर? क्योंकि प्रॉफिट भी पूरा, सोल ट्रेडर कंसर्न में तो प्रॉफिट भी नहीं बढ़ता, पूरा जेब में जाता जो है। तो सर क्यों करते हम इनकम टैक्स कम कराने के चक्कर में कभी कभार हम एक्सपेंस बढ़ा देते और वो एक्सपेंस में पर्सनल एक्सपेंस हम क्लेम करके दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल दू, ध्यान दो, सबको समझ में आ रहा है कि जब गधों के समझ मुंडी लाते बस
समझा रहा ना, नहीं घोड़े लाते मंडी, यानी घोड़े बन चुके हो, गधों से घोड़ी बन चुके हो, अभी इंसान बनना क्या नहीं, ध्यान दो, देखो इधर, जोक था बेटा, सीरियस मत लेना, देखो इधर, जगदीश, अब सोल ट्रेडिंग कंसर्न कौन कौन से पर्सनल एक्सपेंस ले सकता है बिजनेस से, तो वो सैलरी भी क्लेम कर सकता है, सैलरी ऑफ ओनर, कमीशन ऑफ ओनर, मैं ये हेड्स एटम दिखा रहा हूं क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस गिने चुने होते हैं एक्चुअली। अब सुनो एक और दिखा रहा हूं, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनके पिक्चर दिखा रहा हूं। अभी सोल ट्रेडिंग कंसर्न में तो एक मालक की दुकान, अब सर पार्टनरशिप में आपको एग्जांपल देने के लिए थे वैलेट, आपने दे दिए, चिपका दिए, सोल ट्रेडिंग में देखे बताओ, देखो सो इन द आईज ऑफ अकाउंटिंग लॉ ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो आप अगर बिजनेस के अंदर एग्रीमेंट में लिखे हो आपने शुरुआत में कि मैं अपने मेहनत का प्रॉफिट लूंगा लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट का मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए बिजनेस से, तो बिजनेस से आप इंटरेस्ट लेके क्लेम कर सकते हो। ये अलग बात है कि दोनों ओनर के जेब में जा रहा, लेकिन इसको एक्सपेंस दिखा के आप प्रॉफिट कम करते हो, प्रॉफिट कम किया तो आपका इनकम टैक्स भी कम लगता है, लेकिन ये तभी कंडीशन में आप कर सकते हो जब, भरत तू कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा आज, जब क्या होगा बोलो बोलो, जब तुमने एग्रीमेंट में अगर प्रोविजन की होगी तो। अभी होता क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 12th में 100% आएगा, 100% 99 भी नहीं, 100% लिख लो, 11 में भी आ सकता है क्योंकि सोल ट्रेडिंग कंसेप्ट में भी अप्लीकेबल होता है ये, और पार्टनरशिप फॉर्म में भी। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू आया है, हम नेक्स्ट सेशन लेते हैं इसको, ठीक है, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। मैं कल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा के डायरेक्ट जाऊंगा इनकम्स में, कहा जाऊंगा, क्लियर। तो आज पर्सनल एक्सपेंस समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।